तो वो कहते हैं खान साहब जब आप गाना गाते हैं तो मुझे शॉट्स नजर आते हैं फिल्मों के, मुझे लगता है कोई सीन चल रहा है। अरे क्या बात, वाह वाह वाह। आपके दिल के करीब कौन है ज्यादा? मैं मोहम्मद रफी साहब को तो ऐसे सीनियर पहले मानता हूँ, लेकिन दिल के करीब किशोर कुमार है। अरे हसीना जुल्फों वाली जुल्ले जरा इस रंग में इस पे आए आए ओ तो हमारी शान बढ़ जाती है। अब मैं आखिरी इस वो रमजान के अशरे में इस शो के आखिरी हिस्से में जो 1.5-2 घंटों का होगा सेगमेंट, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि राज कुमार साहब और पृथ्वी राज की मेज़बानी जो थी उस्ताद सलामत खान नज़ाकत, उसका नमूना क्या है, क्या वो करते थे, उसकी कुछ थोड़ी दास्तान समरी सुनाएं। राजकुमार और पृथ्वी राज कपूर, पृथ्वी राज कपूर से उनके बारे में कोई बात करूं? नहीं वो जो मेज़बानी कर रहे थे उस्ताद सलामत खान नज़ाकत की, ये तस्वीर भी जो ये राज कपूर साहब परनाम और सजदे की कैफियत है, एक तस्वीर मैंने वो देखी थी जिसमें पृथ्वी राज कपूर साहब थे, ये भी एक नायाब तस्वीर है, और इस पे सलामत खान साहब से नज़ाकत खान साहब से आपने यकीनन पूछा होगा, तो इस तस्वीर के मुतल्लिक उन्होंने क्या बताया था या वो क्या नक्शा पेश करते थे? जी राज कपूर साहब और पृथ्वीराज, असल में ये एक ऐसा वाकया है कि जब सलामत अली खान साहब वहाँ पे परफॉर्मेंस करते थे तो उनके एक बड़े ही करीबी दोस्त थे बादल चौधरी साहब। जी मैं मिला हूँ, कलकत्ता में थे, मैं मिला हूँ। उन्होंने मुलाकात करवाई थी राज कपूर की उस्ताद नज़ाकत अली खान सलामत अली खान साहब से, तो उसके बाद जब राज कपूर साहब ने उनकी महफिलें वहाँ पर रखी तो गाना जब सुना उन्होंने तो समरी मैं बताने लगा हूँ गाने की, जो लबो लबाब उनके गाने का। सलामत अली खान कहते राज साहब आपको हमारे गाने में क्या नजर आता है, आप हमारे गाने में क्या फील करते हैं, आपको क्या महसूस होता है? वो एक एक्टर आदमी थे, जो एक्टर आदमी होता है वो म्यूजिक को और सीन को विजुलाइज करता रहता है, सोचता रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ लिखता रहता है, वो आप भी करते हैं, आपका भी माशाल्लाह ये काम है। तो वो कहते हैं खान साहब जब आप गाना गाते हैं तो मुझे शॉट्स नजर आते हैं फिल्मों के, मुझे लगता है कोई सीन चल रहा है, कोई जैसे सलामत अली खान ने आवाज लगाई है वहां भी आ रहे जुबान ला, वहां पे लक्ष्मीकांत बेहरे भी लाल बैठे होंगे। सलामत खान साहब से सुना है ये लाल शहबाज जलंधर के वो करते थे उर्स। हाँ जी हाँ जी, तो मैं सामने बैठा था सलामत खान साहब क्या कहते तो उनके मजहब के
यानी दर्द में भी एक दर्द था, वो दर्द नजर आता था, मैं तो वो पेश नहीं कर सकता लेकिन कोशिश करता हूँ। हम रोते हैं उनके दर्द सुन। उन्होंने क्या किया रुको Yeah.
हम जो हारे दिल की बाजी सुन ले कहती है रुको कोई तो एक वो भी आप बात आपने सुनाई थी एक दफा कि उस्ताद नज़ाकत खान शूटिंग पे मौजूद थे सत्यम शिवम सुंदरम जो फिल्म बन रही थी तो राज कपूर साहब ने खुद चल के दिखाया और भाई पनगढ़ पे तो क्या वो बात थी वो खान साहब कहते कि वो जिद मान बैठी थी और उन्होंने गधे पकड़ के पनगढ़ पे जाना है तो जब चल के आए तो राज कपूर नहीं 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 ये नहीं बिल्कुल नहीं तो मैं वहाँ बैठा हूँ सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग पे तो कहते राज कपूर उठे दुपट्टा बांधा उन्होंने और वो घघरी पकड़ के वो चले हैं पनगढ़ की तरफ तो मेरे बाबा जी कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए यार ये कौन आदमी और एक दफा बोला करते थे वो बड़ा अजीब सा लफ्ज है अब्बा जी कहते वो ये कहा करते थे मना करते थे खासा असल आर्टिस्ट आप है हम तो इंटरनेशनल भांड है ये लफ्ज मुझे सलाम अली खान ने बताया है हम तो इंटरनेशनल भांड है फन तो आपके पास है आपको याद है रखे शोशन ने कहा था हम तो बस ऐसे ही ऊपर से कुछ करते रहते काम तो आप लोग करते ये उस वक्त रिपीट हुई थी ये बात अब देखिए जब आम तशरीफ फरमाते अब ये बात मुझे समझ आ सकती है क्योंकि जो जिस मयार का गाना सलामत खान साहब और नज़ाकत खान साहब का ये जो गुनगुनाया आपने अभी जो है सुनाया पेश किया तो वो कलकत्ता में 2 घंटे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे तो मैं सुनता हूँ मैंने अमेरिका में बहुत सुना मैं लगा के वॉक करता था इसे 5 सुर का राग इतना ड्रैग किया ही नहीं जा सकता रे ये 2 घंटे मैं तो ताने मार के खत्म कर दिया 2 घंटे 20 मिनट कलकत्ता भी वो है और जो आखिरी पोर्शन है इसमें वो जा रहे हैं क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं वो इंसान सुन के सोच नहीं सकता कि ये कोई इंसान कर सकता वो फीलिंग जो सोनी निगम बताते हो जब वो शेयर कर रहे हैं 12 सुर की तान और वो फीलिंग जो है वो सारे गाने की जो आखिरी जो दुर्त है उसमें आप सुने दोस्त जो जिनको म्यूजिक से दिलचस्पी है वो गुनकली खान साहब नज़ाकत अली खान साहब सलामत अली खान साहब कोई मौजूद है वो सुने तो उसमें होश बेहोश गुम हो जाता और वो कर देने वाला गाना है तो मैं ये ऐसी लाइट भी थोड़ा करें इसको कि जो उनके बच्चे हैं पृथ्वीराज साहब के जो आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं रणबीर कपूर और वो हैं करीना कपूर हैं करिश्मा कपूर हैं उनमें वो एक चमक एक ग्लिटर वो है वो रोशनी है जो उनके अबाव अजदाद में थी बिल्कुल होगी मीर साहब उनका खून है मैंने ऋषि कपूर साहब को फ़ोन किया कि मैं नज़ाकत अली खान साहब का मैं आपके साथ था जी मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपका वेट करूँगा आप शाम को मेरे पास तशरीफ़ लाएँ आपको याद होगा हम किसी वजह से जा नहीं सके लेकिन फ़ोन पर जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ तो ये इतना बड़ा आदमी और इतने बड़े बाप का बेटा नहीं रणबीर कपूर का आपने काम तो देख रहे होंगे मेरी जान रणबीर कपूर के काम में मुझे सलामत अली खान नजर आते हैं अरे अरे क्योंकि सलामत अली खान और राज कपूर एक ही थे दोनों मर्ज थे वो एक्टिंग के सलामत खान थे वो गाने के सलामत अरे अरे यानी वाह 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 जॉइंट वो ऐसे ही था तो वो उनका खून है
वीर साहब ये खून का बड़ा असर होता है, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दुनिया जो एक्टिंग, ये मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ, अच्छा बुरा ये मेरे खून में है, ये मुझे किसी ने कहा सारे गामा बादा कुछ नहीं, किसी ने मन किया, ये मैंने जीन से लिया है थोड़ा सा जो मैं ये कर रहा हूँ, ये आप यकीन करें मैं जो आपने जीन से लिया है ना, हाँ जी, उसके लश्कारे मैंने देखे हैं, उसके मुजाहरे, उसके नजारे मैंने देखे हैं, लंदन में भी देखे हैं, गुजरावाला में भी देखे हैं, लाहौर में भी देखे हैं, जो आप गाते हुए जिन हाजिर करते हैं, बॉम्बे में भी आपके सामने, बॉम्बे में भी ये यहाँ तस्वीरें हैं, जितेंद्र जेतू साहब जो है ये मैं खुद यहाँ मौजूद था और 6.5 घंटे गाए हैं यहाँ साहब, 6.5 घंटे गाए हैं और ऐसे लगा है जैसे वक्त थम गया है और हाँ साहब सिर्फ 20 मिनट गाए हैं ऐसे लगा, और ये बड़े रोशन साहब ये देखिए ये राकेश रोशन साहब, बड़े रोशन साहब, रहे ना रहे हम, क्या 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 गाना है और कहाँ क्या उससे गाने फिर निकले हैं उनके ये बेटे, और इन्होंने रफाकत अली खान साहब को इस महफिल में सजदा कर दिया था, मैं वहाँ मौजूद था, और सच जो है वो बताना भी चाहिए, कन्वे भी करना चाहिए। देखिए मैं उस उनकी श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, वो मजहब उनका हिंदू है और उसमें जो है वो कोई भी गाने को और किसी भी, वो कहते हैं कि ये भगवान की बनाई हुई चीजें हैं सारी, तो उनका एक उनका कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, तो उन्होंने वो किया, तो मैं वहाँ मौजूद था, ये सारी वो महफिल की तस्वीरें हैं। और खान साहब याद है जितेंद्र तो विस्की पी रहे थे, आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने आपको वहां का ये करेंगे ना मीर साहब आप बैठे आप देखे इधर मैं, लेकिन सब ये फिर एक बात हो जाती है, मुझे आपकी खुशामद का भी मजा आता है, ये क्रेडिट आपका है, ये क्रेडिट आपने दिया, मैं बताता हूँ। अच्छा क्रेडिट की बड़ी बात होती है, आप ये बताएं कि वहाँ क्या मॉडस अपरेंडे आपने अपनाया कि जेतू जैसे म्यूजिक के दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है जितेंद्र साहब के क्या क्या गाने, और फिर खान साहब ने वहाँ ये एक लंबी बात है कि वो नहीं आ रहे थे, वो विस्की पी रहे थे और किसी और फीमेल आर्टिस्ट का इंतजार कर रहे थे क्योंकि डेलीगेशन में कुछ और भी आर्टिस्टों ने जाना था, तो फिर खान साहब ने वहाँ गाया है और पैटर्नाइज जो है प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा बहुत प्यार कर रहे थे, यहाँ राम गली लाहौर ग्वाल मंडी से गए तो वो बहुत प्यार कर रहे थे, कश्मीरी पंडित थे, फिर जितेंद्र आए हैं ऐसा आए हैं और उन्होंने क्या चूम चूम के खान साहब का, तू हंस पड़ी या फुलझड़ी छूटी कहीं धड़कन बड़ी, एक शोला सा लहरा गया, हाँ ये नूर होगा तेरे आंखों में प्यार का, क्या नगमा गूंजा होगा बाहर का, दिल की बातें दिल ही जाने, क्या बात है, आंखें छेड़े सो अफसाने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे, हे वादे हैं इरादे हैं, आ आ आ आ मिल के दामन दामन से बांध ले, आ मिल के दामन, सब देखें क्या गायकी का, क्या 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 बात, दामन से बांध ले, ओ ये सब एक होता है बल लारे ना, अब इसको डिल्यूट करना बहुत मुश्किल, आ मिल के दामन दामन से बांध ले, ये जो छोड़ना और पकड़ना है ना ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, मौसी जी कहता है, दिल दिल की बात दिल की बात रच के, दिल पहले ही पहला सूट टक करके जाके लगी, ये थे किशोर, ये किस तरह से किशोर साहब को कुदरती था, सीखा तो उन्होंने सर, बस आपने सीखा था और बताते नहीं थे, नहीं मिसम उन्होंने सीखा था, वो अल्लाह ने ऊपर से बना के भेजे थे वो, और दूसरा एक और बहुत बड़ी बात होती है, मिसम अच्छे लोग में मिल जाए तो वो फिर उसकी एक मॉडिफिकेशन बन जाती है, उसको फिर उसकी उसका जो क्राफ्ट होता है ना, उनको पता होता है कि मैं तो परदेसी मोहे फिर ना कहना, एक्टर भी थे, चला जाना है यहाँ नहीं रहना, और तो दर्द सुख का जो है जिसमें जान डाली जाती है उस जान डालने को वो समझते थे, बोलो
अच्छा सब आम लोगों के लिए समझ भी आए उन्हें, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी, हाँ जी, आपके दिल के करीब कौन है ज्यादा? मैं मोहम्मद रफी साहब को तो ऐसे सीनियर पहले मानता हूँ, लेकिन दिल के करीब किशोर कुमार है। अरे अरे उनको मानता हूँ बहुत बड़ा, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन दिल में जो बात, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। लेकिन हाँ साहब, यहाँ मैं, मेरा थीसिस ये है कि कार्ड नोट ये वो लगाओ छुड़ाओ ये सारा कुदरती भी है, रफ़ी साहब के पास भी कुदरती था, वो भी जाहिर है गाने बजाने के घराने से नहीं थे, लेकिन अगर प्लेबैक की बात की जाए, प्लेबैक में फिर ये भी आ जाता है कि हीरो कौन है, करेक्टर क्या है, ये है वो है, सारी बातें, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो बना क्या हुआ है, रोल क्या कर रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर औरतों और मर्दों में मोहम्मद रफी थे, इसमें कोई शक नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक एक जैसे कुछ आपको कलर पसंद है, थोड़ा सा इससे दुम रहेगी सवाल, जी जी जी, कि किशोर साहब का जब गाना सुनते हैं तो लगता है कि ये पिक्चराइज हुआ है या राजेश खन्ना साहब पे या देवानंद साहब, हाँ जी, शक्ल आती है, लेकिन आइए तो अब ये जो चिलमन है, जब उन्होंने राजेश खन्ना साहब के लिए गाया है तो लगा है कि राजेश खन्ना के लिए मोहम्मद रफी, आप गाइए गाना उसमें जो छोड़ा, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, अब राजेश खन्ना भी साथ बने, कितने शर्मीले हो, कितने शर्मीले दुल्हन है हमार हो, ये जो चिलमन। राजेंद्र कुमार वो जो तलाश फिल्म का, आज तो लग रहा है, लग रहा है उसने के, और जब वो शशि कपूर साहब के लिए गाते हैं लिखे जो खत तुझे, लगता है शशि कपूर गा रहे हैं, इसमें कुछ ये दिलीप कुमार साहब आज पुरानी राहों से, इसमें इसमें पीते पीते कभी कभी, रफी साहब की आवाज जो थी वो दिलीप साहब के लिए बनी थी, दिलीप साहब के लिए भी बनी थी, मधुबन पे राधिका लग रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इतनी वेरिएशन से गाना। लेकिन मैं चूंकि उस दौर में 70s के दौर में जब हम छोटे थे तो तब आरडी बर्मन का नाम बूम पीरियड पर बोल रहा, तो वो सबसे पहले हमने सुना, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम है ना, यानी उस वक्त ये था। और ये रफी साहब तो 50s से गाना शुरू हो गए थे, फिर 60s में गाया, फिर 20 साल उनके हो गए थे जब किशोर कुमार साहब, और उसमें उसमें देखिए फिर के वो दर्दे दिल दर्दे जिगर, हाय 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 हाय, वो उनके लिए भी गा रहे हैं, वो इसमें शबी साहब, इसमें कोई शक नहीं, ओ हसीना हो जाए जरा, कौन सा जी, ओ हसीना ज़ुल्फ़ों वाली, ओ हसीना ज़ुल्फ़ों वाली ज़ुल्फ़ें ज़रा, इस ये मुझे याद नहीं, कोई कोई और रफी साहब का, इधर बंद कर देना बेटा।